नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। मैं हूं आकाश देव शर्मा। नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल के खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे देवी के नवरात्रों की। जी हां, हिंदू धर्म में नवरात्र एक प्रमुख त्यौहार है। इस दौरान 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। एक वर्ष में चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ के महीने में कुल मिलाकर 4 बार नवरात्र आते हैं। लेकिन चैत्र और आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक पड़ने वाले नवरात्र काफी लोकप्रिय हैं। बसंत ऋतु में होने के कारण चैत्र नवरात्र को वासंती नवरात्र तो शरद ऋतु में आने वाले आश्विन मास के नवरात्र को शारदीय नवरात्र भी कहा जाता है। माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्ठमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री माँ के 9 अलग अलग रूप हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और इसका महत्व क्या होता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। शक्ति उपासना का पर्व नवरात्रि क्यों मनाया जाता है और माँ दुर्गा की आराधना क्यों की जाती है, इसको लेकर 2 कथाएं आज तक प्रचलित हैं। आपको बता दें, एक कथा के अनुसार लंका युद्ध में ब्रह्मा जी ने श्री राम से रावण वध के लिए चंडी देवी का पूजन कर देवी को प्रसन्न करने को कहा और विधि के अनुसार चंडी पूजन और हवन हेतु दुर्लभ 108 नील कमल की व्यवस्था भी करा दी। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमर तत्व प्राप्त करने के लिए चंडी पाठ प्रारंभ कर दिया। यह बात पवन के माध्यम से इंद्रदेव ने श्री राम तक पहुंचवा दी। इधर रावण ने मायावी तरीके से पूजा स्थल पर हवन सामग्री में से एक नील कमल गायब कर दिया, जिससे श्री राम की पूजा बाधित हो जाए, श्री राम का संकल्प टूटता नजर आया। सभी में इस बात का भय व्याप्त हो गया कि कहीं माँ दुर्गा कुपित ना हो जाएं। तभी श्री राम को याद आया कि उन्हें कमल नयन नवकंचन लोचन भी कहा जाता है, तो क्यों ना एक नेत्र को वह माँ की पूजा में समर्पित कर दें। श्री राम ने जैसे ही तुरीड़ से अपने नेत्र को निकालना चाहा, तभी माँ दुर्गा प्रकट हुई और कहा कि वह पूजा से प्रसन्न हुई और उन्होंने विजयश्री का आशीर्वाद दिया। आपको बता दें, दूसरी तरफ रावण की पूजा के समय हनुमान जी ब्राह्मण बालक का रूप धरकर वहां पहुंच गए और पूजा कर रहे ब्राह्मणों से एक श्लोक जया देवी भूर्ति हरिणी में हरिणी के स्थान पर करणी उच्चारित करा दिया। हरिणी का अर्थ होता है भक्त की पीड़ा हरने वाला और करणी का अर्थ होता है पीड़ा देने वाली। इससे माँ दुर्गा रावण से नाराज हो गई और रावण को शाप दे दिया। रावण का सर्वनाश हो गया। इसकी एक अन्य कथा भी प्रचलित है, वो भी हम आपको बताते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार महिषासुर को उसकी उपासना से खुश होकर देवताओं ने उसे अजय होने का वर प्रदान कर दिया था। उस वरदान को पाकर महिषासुर ने उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और नरक को स्वर्ग के द्वार तक विस्तारित कर दिया था। महिषासुर ने सूर्य, चंद्र, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण और अन्य देवताओं के भी अधिकार छीन लिए और स्वर्ग लोक का मालिक बन बैठा। देवताओं को महिषासुर के भय से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ रहा था। तब महिषासुर के दुस्साहस से क्रोध होकर देवताओं ने माँ दुर्गा की रचना की। महिषासुर का वध करने के लिए देवताओं ने अपने सभी अस्त्र शस्त्र माँ दुर्गा को समर्पित कर दिए थे, जिससे वह बलवान हो गई थीं। 9 दिनों तक उनका महिषासुर ने संग्राम चला था और अंत में महिषासुर का वध करके माँ दुर्गा महिषासुरमर्दिनी कहलाई। नवरात्रि साल में 2 बार मनाया जाने वाला इकलौता उत्सव है। एक नवरात्रि गर्मी की शुरुआत पर चैत्र में और दूसरा शीत की शुरुआत पर आश्विन माह में मनाया जाता है। गर्मी और जाड़े के मौसम में सौर ऊर्जा हमें सबसे अधिक प्रभावित करती है, क्योंकि फसल पकने, वर्षा जल के लिए बादल संघिन होने, ठंड से राहत देने जैसी जीवन उपयोगी कार्य इस दौरान संपन्न होते हैं। इसलिए पवित्र शक्तियों की आराधना करने से यह समय सबसे अच्छा माना जाता है। प्रकृति में बदलाव के कारण हमारे
तन मन और मस्तिष्क में भी बदलाव आते हैं। इसलिए शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए हम उपवास रखकर शक्ति की पूजा करते हैं। एक बार इसे सत्य और धर्म की जीत के रूप में मनाया जाता है, वहीं दूसरी बार इसे भगवान श्री राम के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो माता की आराधना हम सच्चे मन से कर लें तो माँ हमारी सभी मनोकामना पूरी कर देती हैं। माँ के दरबार में जो भी जाता है वह वहां से खाली हाथ नहीं लौटता। इस नवरात्रि आज हम आपको नौ देवियों की मंत्र से आराधना करने का आसान तरीका बताते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 18 मार्च 2018 से मैया दुर्गा के नौ रूपों की पूजा के दिन शुरू होने जा रहे हैं और दुर्गा मैया के इन सभी नौ रूपों के लिए अलग अलग मंत्र समर्पित किए गए हैं। इन सभी मंत्रों का अपने आप में बहुत महत्व होता है। अगर इन मंत्रों का उच्चारण किया जाए तो व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता है और इससे कुंडली में ग्रहों की दशा भी ठीक होती है। आज हम आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से मैया दुर्गा के इन सभी रूपों को किन मंत्रों से पूजा की जानी चाहिए इसकी जानकारी देते हैं। पहला दिन माँ शैलपुत्री का होता है। माँ दुर्गा का पहला रूप माँ शैलपुत्री है। यह हिमालय की बेटी है। इनको पार्वती और हेमवती के रूप में जाना जाता है। माता दुर्गा के इस रूप को पीला रंग चढ़ाया जाता है। यदि इनकी पूजा की जाए तो इससे मंगल ग्रह की दशा को सही किया जा सकता है और इसका मंत्र है वंदे वाचित्ल लाभाय चंद्रार्ध कृत शेख राम है वृषा रूणा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनीम है। दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी देवी का होता है। माँ दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी माता है। इस रूप के बारे में शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने कड़ी तपस्या की थी। यदि माँ दुर्गा के इस रूप की पूजा की जाए तो राहु ग्रह के नकारात्मक प्रभाव से मुक्ति प्राप्त होती है और इनका मंत्र है दधाना करपद्मा भयाम क्षमा लामा कमल डलु देवी प्रसद्यु मई ब्रह्मचारिणी नुतमहा। इस मंत्र को आप माँ ब्रह्मचारिणी के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा दिन चंद्रघंटा देवी के नाम होता है। माँ दुर्गा का तीसरा रूप माता चंद्रघंटा है और यह माता पार्वती का विवाहित रूप है। इनकी पूजा में हरे रंग को अधिक महत्व दिया जाता है। यदि इनकी पूजा की जाए तो बृहस्पति ग्रह की दशा ठीक की जा सकती है और इनका मंत्र है पिंडज प्रवराड रूड़ा चंड कोपास इसकेतु युता प्रसीदमहे तनुधे महेंत्र चंद्र घंटेति विशुता। इस मंत्र का जाप करने से माता चंद्र घंटा प्रसन्न होती हैं। चौथा दिन कुष्ठमांडा देवी के नाम है। माँ दुर्गा का चौथा रूप कुष्ठमांडा देवी है। इसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि कुष्ठमांडा देवी सूर्य के अंदर रहती हैं और अपनी संपूर्ण ऊर्जा से पूरी दुनिया को प्रबुद्ध करती रहती हैं। इनको नारंगी रंग बहुत ही पसंद है। यदि इनकी पूजा की जाए तो इससे शनि ग्रह शांत होता है और इनका मंत्र है वंदे वांछित कामार्धे चंद्राग्रत शेख राम है सिंह रूढ़ा अष्टभुजा कुशमांडा यशस्विनिम है। इस मंत्र का जाप करो तो माता अपनी कृपा आपके ऊपर जरूर बरसाएंगी। पांचवा दिन स्कंद माता का होता है। माँ दुर्गा का पांचवा रूप स्कंद माता है। ऐसा बताया जाता है कि जब माता पार्वती स्कंद की माँ बनी तब इनको यह नाम दिया था। इसको कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गा माता के इस रूप को सफेद रंग बहुत पसंद है। यदि इनकी पूजा की जाए तो इससे बुध ग्रह शांत होता है और इनका मंत्र है सिंहासन नगता नित्य है पद्माश्री तकर द्वारा शुभदात्यु सदा देवी स्कंद माता यशस्विन है। इस मंत्र का जाप करने से माता स्कंद
खुश हो जाती हैं। छठा दिन कात्यायनी देवी का है। माँ दुर्गा का छठा रूप कात्यायनी देवी है। माता का यह नाम कात्यायन ऋषि की वजह से पड़ा था। माता का यह रूप वह रूप है जिससे माता ने राक्षस महिषासुर का वध किया था। इनको लाल रंग बहुत प्रिय है। यदि इस रूप की पूजा की जाए तो केतु ग्रह शांत होता है और इनका मंत्र है स्वर्णा आज्ञा चक्र स्थिता पश्चतम दुर्गा त्रिनेत्राम वराभीत है करा पशधरा कात्यायन सुता भजामी ही। इस मंत्र का जाप करने से माता कात्यायनी प्रसन्न हो जाती हैं। सातवां दिन कालरात्रि देवी का होता है। माँ दुर्गा का सातवां रूप माँ कालरात्रि देवी है। यह दुर्गा माँ का उग्र रूप है। माता ने इसी रूप में शुभ और निशुंभ का वध किया था। इनकी पूजा में नीले रंग का विशेष उपयोग किया जाता है। इनकी पूजा करने से कुंडली में शुक्र ग्रह शांत होता है और इनका मंत्र है कराल वंदमा धोरा मुक्त केशी चतुर्भुजाम कालरात्रि करालिंगा दिव्या विद्युत माला विभूषिताम है। इस मंत्र का जाप करने से माँ हमेशा अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। आठवां दिन महागौरी के नाम है। दुर्गा माता का आठवां रूप महागौरी है। इनके इस रूप के बारे में ऐसा माना जाता है कि 16 वर्ष की आयु तक माता पार्वती का रंग बहुत गोरा था। इन्हीं वजह से उनको महागौरी नाम दिया गया था। इस दिन छोटी लड़कियों की पूजा की जाती है और इस दिन गुलाबी रंग को बहुत महत्व दिया गया है। अगर माता के इस रूप की पूजा की जाए तो इससे सूर्य ग्रह शांत होता है और इनका मंत्र है पूर्णंदु निभागौरी सोम चक्र स्थिता अष्टम महागौरी त्रिनेत्राम है वरा भीता करहा त्रशूल डमरूधरा महागौरी भज्यम है। इस मंत्र का जाप करने से महागौरी प्रसन्न होती हैं। साथ ही नौवा दिन सिद्धिरात्रि माँ दुर्गा का नौवा रूप सिद्धिदात्री है। इस रूप के बारे में ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड से पहले भगवान शिव ने ऊर्जा प्राप्त करने और ब्रह्मांड बनाने के लिए शक्ति की पूजा की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिद्धिदात्री भगवान शिव का आधा रूप है। इनसे भगवान शिव जी को शक्ति दी थी और सिद्धिदात्री के रूप में जानी गई थी। माता के इस रूप को बैंगनी रंग समर्पित किया गया है। माता के इस रूप की पूजा करने से चंद्रमा ग्रह शांत होता है और इनका मंत्र है स्वर्णा वर्णा निर्वाण चक्र स्थिता नवम दुर्गे त्रिनेत्राम है शंख चक्र गदा पदम धरा सिद्धिदात्री भजेम है। इस मंत्र का जाप करने से माता सिद्धिदात्री खुश हो जाती हैं। वैसे तो माँ इतनी दयावान होती है कि बिना कुछ मांगे ही अपनी कृपा अपने भक्तों पर बनाए रखती है। नवरात्रों के 9 दिन में जो माँ की पूजा सच्चे मन से करता है देवी उनके जीवन में तमाम खुशियां भर देती हैं। इस नवरात्रि माँ के 9 स्वरूपों की पूजा आप इन मंत्रों के साथ कर सकते हैं। ऐसा करने से माता आपकी सभी मनोकामना पूरी कर देंगी। आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं फिर हाजिर होता हूँ एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। नमस्कार।